हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रिफल पुडिंग, जो बहुत ही कलरफुल और डिलीशियस डिज़र्ट है। अगर आपके घर में कोई शाम को या कोई छोटी सी गेट टुगेदर हो तो आप इसे एक दिन पहले ही बनाकर रख सकते हैं। आइए जानिए इसके लिए हमें क्या चाहिए। ट्रिफल पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए केक। केक आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे ब्रिटानिया का केक यूज़ करिए, चाहे घर का बना हुआ कोई भी केक यूज़ करिए। मैं घर का बना हुआ केक यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस यहाँ पे एप्पल लिया है, ये मैंने 1 एप्पल लिया है, 1 मैंगो और थोड़े से ग्रेप्स और बनाना। और हमने यहाँ पे 1 पैकेट से जेली बनाई है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली बनाई है। और 3/4 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। और 1/2 कप मिल्क ये ठंडा लिया है, कंडेंस मिल्क भी बिल्कुल ठंडा है। और फ्रेश क्रीम ली है मैंने 250 ml। इसके अलावा हमें डेकोरेशन के लिए नट्स चाहिए, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम, पिस्ता बारीक काट लिया था। और हमें चेरी चाहिए। फ्रूट्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के, चाहे आप इसमें चेरी यूज़ करिए, चाहे जो भी आपको जो पसंद हो आप इसे यूज़ करिए। बस हमें यही सब कुछ चाहिए बनाने के लिए। अब सबसे पहले ट्रिफल पुडिंग बनाने के लिए हम ये जो हमने कंडेंस मिल्क लिया है 3/4 कप और 1/2 कप मिल्क, इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये मैंने मिल्क को कंडेंस मिल्क के अंदर धीरे धीरे डालकर मिक्स कर रही हूँ। इसकी हमें कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं रखनी। अगर आपको लगे कि 1/2 कप मिल्क से पतला हो रहा है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच। और ये आपकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी पुडिंग बना रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि ये इतना बहुत है तो मैं और अभी मिक्स नहीं करूँगी, तो बस हमारे को इतना कंसिस्टेंसी ठीक है। तो हमने बाकी मिल्क को यूज़ नहीं किया। तो अब ये हमारा रेडी है, ये आप देख रहे हैं। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं। अब इस केक को हम एक स्क्वायर डिश में सेट करेंगे। इसका बेस बिल्कुल फ्लैट है। चाहे आप कोई भी शेप की डिश लीजिए, चाहे वो ओवल हो या राउंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेस फ्लैट होना चाहिए। अब हम इसमें केक लगाएंगे। केक के सारे पीसेस हम अच्छे से सेट करेंगे, इनमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। मैंने जो केक लिया है घर का बना हुआ टूटी फ्रूटी कस्टर्ड केक लिया है, पर आप अगर चाहें तो आप मार्केट का कोई भी केक यूज़ कर सकते हैं, ब्रिटानिया केक या कोई और सिंपल केक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे केक की रेसिपी चाहिए टूटी फ्रूटी केक की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। अब हम इसकी अच्छे से लेयरिंग कर देंगे, आप साइड्स भी सारी फिल कर देंगे, बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए हमें इसके लिए। आप देख रहे हैं इसको कि हमने अच्छे से इसे सेट कर दिया है। अब हम केक के ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है कंडेंस मिल्क और मिल्क के साथ, ये हम केक पे डालेंगे। इसे आप अच्छे से डालिए, केक को सारा कवर करना है। इससे हमें सारे केक के सारी साइड्स को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसी लेयरिंग ने केक को मॉइस्ट करना है और उससे टेस्ट में एनहांस करेगा। तो हमने सारी लेयर अच्छे से लगा ली है। अब हम इस पे फ्रूट्स की लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मैंगो लगा रहे हैं। तो मैंगो के जो हमने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं, इसे हम अच्छे से केक के ऊपर फैला देंगे। आप इसे देख रहे हैं कि हम इसे अच्छे सारी साइड्स हम इससे कवर कर रहे हैं। अब मैं इस पे बनाना लगाने जा रही हूँ। तो अब हम बनाना के पीसेस डाल रहे हैं, तो अच्छे से इसको भी स्प्रेड आउट कर लीजिए। ये हमने सारा बनाना लगा दिया। अब मैं इस पे एप्पल लगा रही हूँ। आप चाहें तो बीच में चेरीज या अपने पसंद का कोई भी फ्रूट लगा सकते हैं। और फ्रूट हमने इस तरह से लगाना है कि इसकी कोई भी साइड खाली ना रह जाए, सभी फ्रूट हर तरफ से अच्छे से लगे। और कुछ फ्रूट हम बचा भी लेंगे। ये हम ग्रेप्स लगा रहे हैं और इसे अच्छे से बाद में लेयर को दबा देंगे। ये हमने फ्रूट्स थोड़े से बचा लिए हैं ताकि हम इसको बाद में डेकोरेशन के काम हमारे आएंगे, इन्हीं फ्रूट से हम डेकोरेट करेंगे।
और अब हमने इसे अच्छे से दबा लिया है और अच्छे से प्रेस करने से ये एक लेयर अच्छे से बैठ जाएगी और इसके ऊपर फिर हम जेली लगाएंगे। इसमें हमने कोई भी फ्लैट स्पून ले लीजिए, उससे जेली के पतले पतले पीसेस काट लीजिए और उसे आप अच्छे से फ्रूट्स के ऊपर स्प्रेड आउट करते रहिए। इससे हमने पूरी लेयरिंग करनी है, सारी जगह को, सारे फ्रूट्स को अच्छे से कवर करना है जेली से। तो हमने इसकी थिन लेयर्स काट के फ्रूट के ऊपर लगा दी हैं और हमने इसमें से थोड़ी सी जेली बचाकर भी रखेंगे जो हमारी डेकोरेशन के लिए काम आएगी। तो जो हमारी साइड्स रह गई हैं उस पर भी लगा लेते हैं और आप देख रहे हो ये कितना कलरफुल और टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे जो हमने पहले से ही बीट करके रखी थी। अब हम जेली को अच्छे से इसे कवर कर देंगे। आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स नजर आएंगे, तभी हमने इसका नाम ट्रिफल पुडिंग रखा है। अब बिल्कुल हमने जेली को अच्छे से क्रीम से कवर कर दिया है। अब हम इस पे फ्रूट्स डालेंगे, जो फ्रूट्स हमने बचा कर रखे थे डेकोरेशन के लिए उन्हें हम लगाएंगे। अब मैंने सबसे पहले एप्पल डाला है और अब मैं इस पे मैंगो लगा रही हूँ। ये पीसेस आप हल्का हल्का स्कैटर करके लगा सकते हैं। अब हम इसे अब हम ग्रेप्स लगा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब बची हुई जेली भी हम इसमें यूज करेंगे। ये जेली के मैंने छोटे छोटे से टुकड़े काट लिए और इनको कहीं कहीं बीच बीच में हम लगा देंगे। अब इससे ऑलमोस्ट सारी पुडिंग मैंने कवर कर ली है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने इसमें बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। और अगर ये ड्राई फ्रूट आपके बच्चों को पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी कलर चेरी डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं अवेलेबल आपके पास तो आप इसे रहने भी दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब हमारी ये पुडिंग तैयार है और आप देख रहे हैं ये कितनी सुंदर लग रही है। अब हमारी ये ट्रिफल पुडिंग रेडी है। अब इसे हम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, सेट हो जाए, तब आप इसे सर्व करिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर बनाइए और खिलाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।